चुनाव नजदीक है और ऐसे में ग्रामीण कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार एवं प्रशासन की नाकामी के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में ग्रामीणों ने 2 माह पूर्व बारिश से टूटी नहर को खुद से मरम्मत करते हुए सरकार एवं प्रशासन को आईना दिखाया है। बरसात के कारण नहर के टूट जाने से खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। अल्प वर्षा से खेतों में लगे फसल को हो रहे नुकसान को देखते हुए गाँव के किसानों ने एकजुट होकर श्रमदान कर खेतों में लगी फसल को बचाने का रास्ता तैयार किया। किसानों ने कहा कि काफी इंतजार करने के बाद भी विभाग ने टूटे नहर को ठीक कराने कोई प्रयास नहीं किया, जिससे थक हार कर ऐसा करना पड़ा। वहीं प्रशासनिक गलती से परेशान किसानों ने कहा कि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। मतलब 1.5 महीना हो गया ये नहर के टूटे ले का परेशानी होती है? का परेशानी हुई, बस पानी जो सिंचाई होता है वो धान सूखा थे नहीं। हाँ तो अभी फिर हमें पाइप वाइप लगाए हैं, कैसे कैसे जुगाड़ बनाया? ये पाइप खरीदे हैं फिर दुकान से। हाँ। और फिर हमें बांस खंभा लगाए के और बनाए हैं तो पानी डका थे। कितना आदमी हमें सब पैसा लेके मेहनत करी है कि श्रमदान करी? पैसा खर्चा करके मतलब पाइप खरीदे हैं। अच्छा, बाकी श्रमदान? श्रमदान में किए हैं। तो ये में कितना एकड़ में यह सिंचाई होते एकर नहर से? तो हमारे यहाँ तो कम से कम 200-300 एकड़ में। तुम्हारे यहाँ 200-300 एकड़? हाँ, बाकी डाड़ गाँव गुमगा में भी है। डाड़ गाँव गुमगा? हाँ। और यह कितना पुराना नहर है? पुराना वही 30-35 साल का नहर है। 30 साल पुराना है? हाँ। तो जिसे टूटी तो खबर अधिकारी मल्ला दे रहा? खबर दिया है। आए रहन कोई? आए रहन। क्या बोले? वो तो नहर दूसरे जला काटे बरा उस सोचत रहे। हाँ। तो हम लोग कहन कि हम नहीं काटे देन। हाँ। काहे कि एक जा तो नुकसान हो गया है। हाँ। फिर दूसरा जला नुकसान करने के लिए काहे काटे देंगे? हाँ। जिस समय आवेदन देन पुलिया के लिए। हाँ। उधर पानी के लिए उस समय तो ध्यान नहीं दिए। तो आज कैसे काटेंगे फसल में? ऐसे करके मना कर दें। हाँ। अच्छा, नहर टूटी तो कर फसलों कितना नुकसान हो? तो यहाँ तो उजियार के नुकसान ज़्यादा हुए इसमें। अच्छा। तो अभी यह बन गई से अभी तुमन के कौन कौन गांव में पानी जाते नहर के तुमन पाइप लगाए हैं तकर से? बस तो ये तो हमरे छमर गांव सलबा में। सलबा में सिंचाई हो जाती? हाँ। तो फिर अब तुमन के का मांग है? का मांग रही? नहर बन जाना चाहिए। नहर बन जाना? हाँ। और जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देते? ये नहर लगभग 1.5 महीना हो गई इसके टूटे में, जैसे पहला बारिश हुई थी मतलब टूटी गई शहर। हाँ। कौन तरह से परेशानी होती रही? सब कई दिन तक मैं यही कस रही यार। अब मान लो टूटी से तेकर बाद जो है तो परेशानी झेलत पड़त है। पानी नहीं होते कहीं तरफ से, वर्षा नहीं होते, तब भैया परेशानी तो जाते। अब पहले रही जहाँ तक बढ़िया रही तहाँ तक तो कुछ ठीक रहीस, लेकिन अभी जो है तब टिकट टूटे से बहुत ज़्यादा परेशानी है। धान मन मरत है, कहीं कहीं मनो जो है तो नुकसान पहुँचाते। फिर कैसे दिमाग में इसके अलावा पाइप डाल के बने? तो गांव में से हमन जो है तो सामूहिक जोड़न की भाई सोचे नहीं ला कि कैसे हमन पार करबो तो हमारे धान मन जो है तनी मनी बची, बिहान गोतन तो कम से कम ऐसे तो ऊपर से भी पानी नहीं आते। तो गांव के हमन सोचे था सब कहें कि नहीं जे इनमें पाइप की व्यवस्था किया जाए ताकि तनी मनी मतलब जो है तो आरा पारा धरी पकार के धान मन ताकि कुछ ठीक रहें। तो वही व्यवस्था करके महाराज हमन जो है तो पाइप की व्यवस्था करें। तब वही सियान मन जो है तो हमारे गाँव के जो सरपंच है वो एक दो जन मिल गए और पाइप लानिन और वही ला हम जो है तो वही बाँस वाँस वगैरह करके और सब ठीक करें। वही पार करत हैं थोड़ा बहुत जाते पानी जब ले तहाँ तक हमारे आसपास के सिंचाई होते, बाकी उतनी तो अभी डांडगांव गुमगांव में नहीं हो पाई से पानी नहीं पहुंच पाते। सलबे सलबा में जी सर। अभी तक कितना आदमी लगिन हुई हमें पूरा मेहनत? लगभग ऐसे तो गाँव कर बहुत आधे आदमी लगिन है, बहुत जो आदमी नहीं रही सब कौन ला कबो कि तहूँ चल अब है नहीं तो जेमन जेमन रही तेला बटोन के सबके चला भाई इला बनाना है जितना झन के सिंचाई में जो फंसी से फसल में जेमने कर तो ऐसे नहीं करके तो बहुत आदमी तो आए रही। अब गिनती में तो नहीं लगभग 40-50 आदमी से के ऊपर रही हुए। हाँ, बढ़िया मेहनत करके बनाए लें तो महाराज तो हो तब मेहनत करें हिसाब से तो पानी जहाँ तक जाते अब वो ठीक है। हाँ, जुगाड़ से करके जुगाड़। हाँ। देसी जुगाड़ काम कर गए इसमें के। हाँ बस इतने। अब कहा चाहत है एकर नहर? अब कहा चाहिए महाराज हमार जो है तो नहर बनना चाहिए तब तो हमन जो है तनी मनी कुछ लगा लुगू के खाई दिखब।
अब तो का काल होत है, पानी नहीं गिरत है, अब नहीं अब चुनाव तो सरकार मन देखी अब वही मन बनवाही अब बनाही तब तो देबो वोट, आखिर हमन काबर देबो वोट नहीं देन। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में करीब 2 माह पूर्व बारिश में टूटे सलवा बांध के 30 मीटर नहर से परेशान होकर किसानों ने अल्प वर्षा के कारण फसलों की सिंचाई न हो पाने की स्थिति में स्वयं के खर्चे से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सुविधा विस्तार का कार्य किया है, जबकि अल्प वर्षा से फसलों को नुकसान न हो और खेती किसानी का कार्य अच्छे से हो सके। उदयपुर विकास खंड के सलवा गांव के किसान नहर का पानी नहीं मिलने से काफी चिंतित रह रहे थे, जहां संकट के समय सलवा के सरपंच प्रतिनिधि गणेश्वर सिंह की पहल से ग्रामीणों ने टूटे नहर का स्वयं मरम्मत करने का बीड़ा उठाया और श्रमदान कर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लगभग 30 मीटर 9 इंच के केसिंग पाइप को पास बल्ली के सहारे टूटे हुए नहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के साथ खेतों तक पानी पहुंचाने में सफलता पाई। बस यही नहर टूटा था तो पानी नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं आ रहा था, अभी तो एक दो दिन से थोड़ा बहुत गिर रहा है, बाकी जो है नहीं आ रहा था, पूरा धान एकदम खेत सूख गया था कहना चाहिए। और हम लोग जैसे तैसे जुगाड़ किए और फिर बनाए, एक बार बनाए थे, फिर उसके बाद टूट गया, ज़्यादा प्रेशर आया उधर से पानी, फिर उसके बाद टूट गया, फिर हम लोग कोशिश किए दोबारा, फिर जाके इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बांस डाले तो थोड़ा सा मजबूती उसमें आया, तो बाद में फिर अभी जहाँ तहाँ हो रहा है, जैसे एक जने के खेत के लिए एक ही दिन कहना चाहिए टाइम हो पाता है, ऐसे करके परेशानी तो हो रहा है सर, अब क्या बताएं, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अभी भी आया था देखने, देखने देखने आए थे काफ़ी लोग, लेकिन हम लोग बात नहीं किए उनसे, अब का का दिखे का किए वो सब के बारे में हम लोग को नहीं पता। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सर नहर पूरा बन जाए, बढ़िया से बन जाए और पानी भी मतलब बराबर उधर जाए। मान लीजिए अब हम ही लोग जुगाड़ से चला रहे हैं यहाँ पे, तो डांड गाँव तरफ भी बहुत खेती होता है उधर, तो उधर के लोग भी परेशान हैं और बाकी जो है वो लोग भी कोशिश किए यहाँ बनाने की, लेकिन सर हुआ ये कि वो लोग का जुगाड़ थोड़ा सा बन नहीं पाया, वो लोग पाइप की जगह में वो टीना का चदरा लगाने की कोशिश किए, तो उसमें पानी जो है उछल जा रहा था, तो इस वजह से जो है पानी नहीं जा पाया। जो गाँव है सलवा जी, नहर टूटी से हाँ कब के टूटल है, क्या महीना हुई? लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया सर। हाँ, नेता उत्तम कोनो आए रहिन देखे? कोई नेता नहीं आए हैं अभी तक, कोई नहीं आए हैं। चुनाव क्या करेंगे हम, चुनाव क्या बहिष्कार कर देंगे गांव से, अब यही बोलेंगे हम लोग नहीं देंगे वोट भाई, हम लोग का जो सुविधा नहीं मिल रहा है, हमारा फसल बर्बाद हो रहा है, क्यों देंगे हम वोट, इतना दिन से पड़ा हुआ है। और अधिकारी लोग भी शायद आए थे बताते हैं, ऐसा हम लोग को देखे नहीं हैं, तो वो लोग भी ध्यान नहीं दिए होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और खबर पता लगा कि आज या कल ऐसे करके भी कुछ आए थे, तो बोल रहे थे कि आजकल में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं एक दो दिन में क्या होता है, फिर उसके बाद में पता चलेगा गेट के बारे में। तो कितना समय लगा था आप पूरे युवा और बुजुर्ग लोग मिल के, क्या दिन लगा था? एक दिन पूरा दिन भर जैसे कह लीजिए हम लोग, हाँ 2 दिन, और बांस काटे वो तो अलग, एक दिन अलग लगा बांस का, फिर जैसे तैसे पाइप का व्यवस्था किए हम लोग जुगाड़ करके, तो लाए 2 दिन कह लीजिए, 2 दिन हम लोग का पूरा टाइम लगा, पहले भी 2 दिन लगा हुआ था, पहले एक बार बनाए थे टूट गया, इसके बाद फिर कोशिश किए उसमें भी 2 दिन हुआ। इसके इसमें तो बहुत परेशान है सर हम लोग, कैसे? तो हम लोग का कहा है सिंचाई, यहाँ पे हम लोग को बहुत धान मर जा रहा था, तो हम लोग जो है श्रमदान जैसे कि मेहनत करके हम लोग उसको बनाए हैं, खूंटा उटा गाड़ के, कुछ बांस खरीदे हैं, कुछ घर से लगाए हैं। तो कितना परेशानी किया आप लोगों को सर? इसमें बहुत परेशानी किया सर। कितना लागत लगा है इसमें? लागत सर वही 25-30 हज़ार रुपया लगा है। तो प्रशासन ध्यान नहीं दिया इसके? सर अभी तो ध्यान नहीं दिया है सर अभी। क्या चाहते हैं? तो सर ये चाहते हैं कि प्रशासन इसको तत्काल जल्दी बनवाए, ताकि हम लोग का धान फसल अच्छा से हो, बाल बच्चे सब खुशी रहें अनाज उगा के। हाँ सर, उसको खूंटा गाड़ के, उसको पाइप लगा के, पाइप खरीदे दुकान से और उसको ला के फिर गाँव वाले जैसे जितना भी प्लांट में जो फंसा हुआ है उसी तरह से सभी को सूचना किए, इसके बाद सभी लोग मदद किए और रस्सी उसी को बांध के उसको तैयार किए। इधर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे पहले से है, लेकिन बारिश की वजह से काम शुरू नहीं किया गया। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है
कि जल्द से जल्द टूटे हुए नहर का निर्माण किया जाए जिससे कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। यह प्रशासन या विभाग की नाकामी या गलती नहीं है, ऐसी स्थिति में बारिश के कारण बनी थी। जी, जो अब हुआ था, जो एक दिन जो है काफ़ी बारिश हुई थी, 115 मिलीमीटर बारिश हुई थी, उस दिन जो है खेतों का पानी उसमें आ गया था जिससे कि नहर टूट गई थी और उसको जो है दो दिन पूर्व ही अभी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई थी, जो पाइप लगा के जो है पानी को पार कर रहे थे और उस समय वर्षा के सीजन के कारण वहाँ पर जा नहीं पा रही थी गाड़ियाँ, और तीन दिन पूर्व से उसमें जो है काम जो है शुरू किया गया है और अभी उसको जो है नहर को जो है बना दिया जाएगा, तीन या चार दिन में वो नहर बन जाएगी। विभाग की लापरवाही नहीं रही, उस समय वर्षा के कारण वहाँ पर जाने का जो है वो नहीं था, उसको शुरू से ही देख रहे हैं और उसको जो है बनवाने के लिए पहल किया जा रहा है और शीघ्र ही जो है वो बन जाएगा। गौरतलब है कि जिले में जल संसाधन विभाग की लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है कि किसानों को समय पर खेती के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जहाँ विभाग को दो महीने पूर्व ही इस नहर के टूटने की जानकारी थी, साथ ही उस वक्त बारिश भी नहीं हो रही थी, ऐसे में विभाग को अपनी जिम्मेदारी तय कर अब तक टूटे हुए नहर को ठीक कर लेना था। बावजूद इसके जिला प्रशासन की किसानों के लिए नहर से पानी देने का पहल अनदेखी साबित हो रही है।